अंटा आ गया ना। अरे क्या हुआ, कुछ मिला? कुछ नहीं मिला ना सर। क्या, मेरी बैग नहीं मिली अब तक? कोई बात नहीं, हिम्मत मत हारो, अभी तो और भी कमरे बाकी है। सर क्या बात करें ना, अभी कोई कमरा बाकी नहीं ना, एक दो कमरे बचे थे अंदर के, उधर वो अपना बैजू खोद रहा है ना, अभी दो ही रूम बचे, एक लॉकअप रूम और एक बाहर का बड़ा हॉल। अब लॉकअप रूम तो सब पुलिस वाले बंद है ना, और बाहर का बड़ा हॉल खोदते खोदते हमारा हाल बेहाल हो जाएगा ना। सर समझने की कोशिश करो ना, क्या है रात भी होती जा रही है ना, और खतरा बढ़ती जा रहा है ना। नाइट शिफ्ट के पुलिस वाले आएंगे तो हम क्या करेंगे? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। आइडिया, टेक द वेपन्स एंड फॉलो मी। ओके। ऐसा पहली बार हुआ है पिछले कई सालों में। कोई आए जाए मेरे ख्यालों में। दादा मेरा भी ये फेवरेट गाना है। एड़े, ऐसा पहली बार हुआ है पूरा हेडक्वार्टर हाईजैक हुआ है। माइकल खोलो, खोल जल्दी खोल। खोलना बैग मिला नहीं? मिलेगा भी नहीं। अरे सोचने वाली बात है बाबा, जब ये हेडक्वार्टर बन रहा होगा उस वक्त मजदूर लोग काम कर रहे होंगे, उन्होंने खुदाई की होगी उस वक्त, उनको बैग मिल गई होगी और वो लेके निकल गए होंगे। खामखा आप भी हम भी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्या फायदा? चलो चलो निकलते हैं। अरे नहीं नहीं, एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए। आदित्य मुझे लगता है कि तुम्हारी बात बिल्कुल सही थी, हमारे पास समय की भी कमी है और आदमियों की भी कमी है, तो क्यों ना आप लोग हमें मदद करें ये सोना ढूंढने में। आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, हाँ और हाँ। अब देखो तानसेन दादा, क्या है ना, फ्री में तो कोई अपनी बीवी की भी मदद नहीं करता है, तो हम आपकी मदद क्यों करेंगे? तो ठीक है ना, उस सोने में से मैं कुछ हिस्सा आप लोगों को दे दूंगा ना। डील अच्छी है, पक्का पक्का पक्का। डन 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 डन। काहे का डन? ये आदमी हमें रिश्वत देने की कोशिश कर रहा है और रिश्वत से मुझे सख्त नफरत है, समझे? और मुझे नफरत है तुमसे। जब भी माल बनाने का मौका आता है ना, तुम अपनी लंबी टांगे ना बीच में अड़ा देते हो। कमिश्नर जी ये देखना। देखो देखो भाई, दादा क्या ना, आप जितना बोलोगे उतना मैं खड्डा खोदूंगा, लेकिन सोने में से मुझे 2.5-3 किलो देना पड़ेगा। मेरे को 100 ग्राम मिल जाए ना, पूरा महाराष्ट्र खोद डालूंगा मैं। कसम भाई आपके लिए। तानसेन भाई क्या बोल रहे हैं सर, आप एक मुजरिम का साथ देंगे? मुजरिम का? अरे मुजरिम मन के अंदर बैठे तो हम लोग, क्या फायदा? इससे अच्छा कि तुम तानसेन भाई का साथ दो, वही हमको बाहर निकालेंगे फिर। क्यों कसम भाई, तानसेन भाई ये ना। सर मैं सबको समझता हूँ, लेकिन आपसे ये बात नहीं समझते कि काम गलत है सर। आप समझ नहीं रहे हो। आदि सर क्या बात कर रहे हो, सोने का सवाल है सर। पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली कहावत सिद्ध कर दी तने डीआई जी, क्योंकि गुप्पो की भेंट कट। तानसेन है क्या तेरा पिताजी? है तानसेन? तानसेन ही सर, सोना सोना। अरे सोनी भी कैसी कैसी लड़की क्या कर रहे हो मित्रों? अरे तू हार गुंडू। अरे चुप चुप हो जाओ वरना मैं गा दूंगा। गाना मत, गाना मत है दादा, गाना मत है। एक काम करो, तुम लोग है ना आदित्य को कोने में बिठाओ और सब लोग है ना यहाँ पे खोदना शुरू कर दो। देखो क्योंकि यहाँ खुदाई करनी है ना, तो ये आदित्य को कहीं और डालो वरना ये हमको डिस्टर्ब करेगा। और हाँ, तो कोई और लॉकअप है इस जेल में? है ना, काल कोठरी है ना, मस्त अंधेरा, डालो उधर। काल कोठरी अच्छी बात है ना, काल कोठरी ऑलरेडी खुद चुके हैं ना,
उधर जाने की जरूरत ही नहीं ना। माइकल लो साइकिल और इसको काल कोठरी में डाल दो। चलो चलो आप ऐसा करेंगे सर, आप एक मुजरिम का साथ दे रहे हैं सर। चलो सर ऐसा मत कीजिए। तुम लोग यहीं पे खोदो और तुम दोनों मेरे साथ चलो। हाँ चलो चलो। तानसेन को इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि उसने मुझे यहां भेजकर कितनी बड़ी गलती की है। उस बेचारे को तो मालूम ही नहीं कि उसने मुझे यहां अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मेरी मर्जी से यहां भेजा है। अब मेरे और इस भारी दुनिया में सिर्फ इस दीवार का फासला है। लेकिन ये डीआईजी ने औजार का रख दिया है। चेक करते हैं कि दीवार का कौन सा कोना नाजुक है। मैडोना माय बॉय सब कुछ ठीक चल रहा है ना, वरना गा दूंगा। मैडोना के रहते कुछ गलत नहीं हो सकता। हाँ हाँ मैं पुलिस स्टेशन में आया हूँ, मैं कंप्लेंट कराने आया हूँ। मैं ये तो गलत हो ही गया ना, अब संभाल वरना गा दूंगा। अरे कोना वाना छोड़ो, छुप जाओ सब, जल्दी जल्दी छुप जाओ, वरना पकड़े जाएंगे। अरे कैसी 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 बातें कर रहे हो? देखो आपने पुलिस की वर्दी तो पहनी रखी है, हम असली पुलिस वाले हैं ही, हम असली पुलिस की वर्दी में सज्जन, आप नकली पुलिस की वर्दी में दुर्जन। अब सामने वाले को कब पता लगेगा कि असली कौन है और नकली कौन है? कैसी बात करो, खड़े रहो यार, कमाल कर रहे हो तुम यार। अच्छा ठीक है ठीक है, पहले ये जो हथियार है ना उसको छुपाओ छुपाओ छुपाओ। नमस्कार, पुलिस हेडक्वार्टर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। यह का है वो? यदि आपको कोई कंप्लेन लिखवानी हो तो हमारी ये होनहार सुंदर और हमारी बहुत ही अच्छी लेडी कांस्टेबल मैडम सुंदरी जी के पास बैठ जाइए। आइए आइए। सुंदरी जी मुझे एक कंप्लेन लिखवानी है। जरूर लिखवाइए, पुलिस स्टेशन में कंप्लेन नहीं लिखवाओगे तो क्या सारे पुलिस वालों को हाईजैक करोगे? जाके बुप्पो की भैंस। आपकी आपकी कंप्लेंट बोलिए। मैं उस कुत्ते के खिलाफ कंप्लेंट लिखाने आया हूँ। पुलिस स्टेशन है, कुत्ता बिल्ली स्टेशन नहीं है, जो आप ऐसी कंप्लेंट यहाँ पे लेकर आ गए। मैं आपकी कंप्लेंट नहीं लिख सकती, जाके दूसरे पुलिस स्टेशन में मेरी कंप्लेंट कराओ, समझ गए तुम? हाँ ये लो, इस पुलिस स्टेशन का एड्रेस है, समझ गए? हमारा पुलिस स्टेशन हाईजैक हो चुका है, बाहर जाके हमारी हेल्प कीजिए। समझ गया मैं। हाँ मैं जाता हूँ। जाओ 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 इधर से, हम डरते नहीं है, देख लेना। जाओ जाओ। नाम है मैडोना, काम सर तोड़ना। पकड़ो पकड़ो वरना गा दूंगा मैं। और सुनो, ये जो मुखड़ा और अंतरा है ना, उन दोनों को लॉकअप में डालो, और तुम दोनों चलो काम चालू करो। वाह वाह, खोलते रहो। खोदो खोदो सर जी। हमारे अंदर तो विटामिन डी की वैसे ही कमी हो रखी है। खोदते रहो वरना विटामिन जी खिला दूंगा। होकर गोली। तानसेन जी एक काम करते ना, एक छोटा मोटा ब्रेक ले लेते चाय पानी के लिए। ओ अच्छा अच्छा, देखो एक बात सुनो, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, होल में खोदते रहो फावड़ा मार के, खोदते रहो वरना गा दूंगा। हमारे कान की खुदाई हो जाएगी भाई साहब। सर जी कछु चाय पानी ना करो, खुदाई चालू करो। खोदते रहो। बाहर की आवाज अंदर आ रही है, इसका मतलब मेरे खोदने की आवाज भी बाहर जा सकती है।
चुप है। ए, लंच ब्रेक हो गया। ए, चुप। कोई लंच ब्रेक नहीं हुआ है, तेरा सर ब्रेक कर दूंगा, चुप हो जा। बाबा कोई लंच ब्रेक नहीं है, कोई लंच ब्रेक नहीं है। देखो बहुत बड़ा हॉल है, बहुत खुदाई करनी है, पर वक्त बिल्कुल कम है। चलो 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 सब लोग चलो चलो चलो। मुझे कुछ आवाज आ रही है। अरे सर जी, आपको गलत फहमी है गई है, हमारे पेट से आवाजें आ रही होंगी। वो कहा बात है ना, हमने बहुत सारे समोसा पहन लिए थे तो पेट में आवाजें आ रही है। ऐसी इसके पेट हमेशा ऐसे खराब रहते हैं, ऐसी गंदी गंदी आवाजें आए आती है। भाई जो तो इनको संभाल, मैं वहां देख कर आता हूँ। आवाज काल कोठरी की ओर से आ रही है। दरवाजा पीट रहे थे। क्यों पीट रहे थे? अंदर आओ बताता हूँ। कैदी तुम हो, मैं नहीं। क्या चाहिए, क्यों दरवाजा पीट रहे थे? प्यास लगी है, पानी चाहिए। पानी दो, साथ दो। पानी क्या, मैं सोने के बिस्कुट देने के लिए तैयार हूँ। नहीं चाहिए तेरा सोने के बिस्कुट, समझा? मैं अपने डिपार्टमेंट के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। तो मरो यहाँ पे, मुझे क्या है, दे दो अपनी जान। देखो दरवाजा फिर से मत पीटना, वरना। वरना क्या? गा दूंगा। नहीं चाहिए तेरा पानी। लगभग सारा पुलिस स्टेशन खुद चुका है, लेकिन अब तक मुझे मेरी बैग नहीं मिली। सोने का बैग, मुझे मेरा सोना मिल गया। अब मैं ना खुशी से गा दूंगा। निकाल उसको, निकाल निकाल बाहर निकाल, खोल खोल। हाँ देख देख। सोना, बूढ़ी बाबा इतना सारा सोना। तानसेन दादा, ये कितना, 20-30 किलो सोना तो होगा। 50 किलो 500 ग्राम। 50 किलो 500 ग्राम, एक तोले सोने का भाव है 30,000, तो 50 किलो 500 ग्राम का कीमत कितना होगा? ये मुंडू कैलकुलेट कर, कैलकुलेट कर। ए, अरे यार कागज पत्री लानी पड़ेगी कैलकुलेट करने के लिए। 15 करोड़, 15 लाख। तज्ञ आदमी है यहाँ पे, बताओ। दादा चलो बैजू बावरा माइकल, उठाओ सोना और निकलने की तैयारी करो। ये मुर्गी की दुकान, चल अपना अंडा निकाल, मेरा मतलब अपना हिस्सा निकाल। अरे बाबा भूल गया, इन लोगों का हिस्सा देना भूल गया मैं। माइकल निकाल दे दे। तूने अपने वो गोली दिया? या नहीं, लेकिन किसी ने भी चालाकी करने की कोशिश की तो अब दूंगा। ये चीटिंग है उड़ी बाबा, ये चीटिंग है, एक नंबर का चीटिंग है। देखो मैं तुम्हारी कंप्लेंट पुलिस में कर दूंगा। पुलिस पुलिस ये तो गलत बात है गई है, मतलब ईमानदारी नाम कोई चीज ही ना है, ना खड्डा खुदवा लिया हमते। हाँ तुम पकड़ के सब लोग लाइन में खड़े हो जा रहे हैं। बावरा एक काम करो तुम, हाँ? तुम काल कोठरी जाओ और वो इंस्पेक्टर आदित्य है ना, उसे यहाँ पे लेके आओ, सबको साथ में मिलके खत्म कर दूंगा।
और कहानी भी यहाँ पे खत्म हो जाएगी। उसके बाद मैं गाऊंगा। जाता हूँ ना। तानसेन, तूने हमारे हाथ तो ऊपर करवा लिए, लेकिन ये मत भूलना कानून के हाथ कितने चौड़े होते हैं। सर जी, चौड़े नहीं, लंबे होंगे, लंबे। तू तो बड़ा चौड़ा होके बोल रहा है, तेरे को मालूम है, तूने देखा है कानून के हाथ कैसे होते हैं? अरे सर, वो इंस्पेक्टर आदित्य कालकोठरी में नहीं है ना? क्या? आदित्य भाग गया? वो बाहर कैसे निकला? दीवार तोड़कर। अब चुपचाप खड़ा रहे, वरना इसके अंदर की सारी गोलियां तेरे अंदर डाल दूंगा और तेरी जिंदगी के सारे सुर बिगाड़ दूंगा। बॉस और डीआईजी, मैं सर, सबसे गन छीन लो। ले 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 ये तानसेन मुझे वेल्डन मैं बॉय वेल्डन। मतलब ये तुम लोगों की चाल थी? अभी समझ गया ना, ना तुम हमसे ज्यादा स्मार्ट हो, ना हमसे ज्यादा ताकतवर, समझे? अब मिस्टर तानसेन, आप खुद जेल के ऊपर प्रस्थान करें या मैं लात मार के आपका इंजन खुद शुरू करूं? चलो चलो चलो, खबरदार, अगर इन दोनों की जान बचाना चाहते हो तो चुपचाप अपने हथियार मेरे आदमियों के हवाले कर दो। बॉस, डीआईजी, हथियार वापस कर दो। वेल डन माय बॉय। बॉय, कम बेबी कम, आई वांट टू हग यू। आटो आटो, नो नो नो, ओनली सेकेंड, ओनली सेकेंड। बहुत ही अच्छा काम किया तुमने मैडोना। अब एक और अच्छा काम कर दो, ये जो इंटेलिजेंट और स्मार्ट इंस्पेक्टर है आदित्य, उसे बेहोश कर दो। क्या ढूंढ रही हो आंटी? ये अपना स्प्रे। थैंक यू डीआईजी। लेके जाओ उसे अंदर। बॉस और डीआईजी। यस सर। सबसे गन वापस ले लो। पूरी बाबा जी, इधर से। ए तानसेन, ये तू बच्चा सर, मैं जा सकता हूँ क्या? हाँ तू भाग, निकल निकल। ए तानसेन, अब जेल की सलाखों के पीछे बैठ कर रियाज करना, अब तेरे सारे सुरताल खत्म। नो बेबी नो, अभी एक और सुर बचा है, भूल गए? बॉम्ब जो मैंने ये पूरे हेडक्वार्टर्स में प्लांट किए हैं, और उसका रिमोट इस घड़ी में है। जैसे मैं इसे दबाऊंगा, बॉम्ब ब्लास्ट और सब खलार। बोलो, ये रिमोट का बटन मैं दबाऊं? हाँ दबा दबा दबा। क्या कह रहे हो सर? नहीं 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 नहीं, तुझे क्या लग रहा है हम अकेले फटेंगे? तू हमारे साथ फटेगा। अच्छा ठीक है, मैं दबाता हूँ। हाँ दबा। कर क्या रहा है? दबा। तुझे क्या लग रहा है हम लोग डरते हैं तेरे बटन दबाने से? जिस दिन ये खाकी वर्दी पहनी थी ना तानसेन, उस दिन डर को खत्म कर दिया था। चल दबा। दबाता हूँ। आज आज मुझे पता चला कि मौत का डर कैसा होता है। देर आए लेकिन दुरुस्त आए, तुझे पता तो चला। बॉस और डीआईजी मेरे जावा शिरो, तुम लोगों को पता है ना क्या करना है? बंदूक वापस देनी है का? मैं इन सबको अंदर डाल। अंदर 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 चलो। दादा सॉरी दादा, कहना ये सब ऐसे वर्दी में ना तुम्हें थोड़ा कंफ्यूज हो गया। ये भाई देख देख के अंदर डालो, डालो अंदर सबको। इस सोने का क्या करें सर? ये सोना तो सरकारी खजाने में जाएगा। वेल डन माय बॉय, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर।